देना प्रभु, मैंने आपकी इच्छा के विपरीत कार्य किया पर मुझे करना ही पड़ा। आपको अपने कष्ट की अवस्था में नहीं देख पाया और मैंने अवश्य होती होगी भैया, और संभव है मुझे भी वर्षों लग जाते यदि मैंने उनके दर्शनों की इच्छा अपने स्वार्थ के लिए की होती तो। पर मेरे मन में तो केवल परम पिता की इच्छा ही थी। हो सकता है इसीलिए माँ ने मुझे इतनी शीघ्र दर्शन दे दिए हों। ये तुमने क्या किया था? क्यों तोड़े मेरे बनाए थे? क्यों गए तुम उनसे भेंट कर? क्या सोचा था तुम कि ये सब सुनकर मुझे प्रसन्नता हो? तब क्या होगा? कर कैसे संभालूंगा मैं अपने आप? गरुण ने बोला, गरुण ने कुछ बोला, बोला तुम्हें आवाज दिए कि तुमने कितनी बड़ी मूर्खता की है? गरुण बोलता, हाँ भैया मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत बड़ी मूर्खता की है। यदि मेरी इस मूर्खता से मैं अपने परम पिता का संदेश माँ तक और माँ का संदेश परम पिता तक पहुँचा पाया तो मैं ये मूर्खता बार बार करूंगा भैया। क्या लाइन है? लक्ष्मी का संदेश डालोगे भाई? और माँ का संदेश परम पिता तक पहुंचा पाया तो ये मूर्खता मैं बार बार करूंगा भैया। निकाला, लिखा, ये लक्ष्मी जी का पायल है, हाथ में दिखाया उसने, अपीयर हुआ उसके। माँ ने भेजा है आपके लिए, अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। और आपने हाथ बढ़ाया, प्लीज एंड रोलिंग एंड एक्शन। ये आया कंट्रोल नहीं हो रहा है, ऊपर से लगा लिया। ऐसा लग रहा जैसे मेरे प्राण लौट आए, देवी लक्ष्मी मेरे पास लौट आई। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। एक्शन। क्या कोई डायलॉग है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने ऐसा दुस्साहसिक कार्य किया है। ये उसको खुशी से बोलने की थोड़ा एक्शन। मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने ऐसा दुस्साहसिक कार्य किया। मैंने कुछ नहीं किया प्रभु, और पायल तो तुम ही लेके आए हो, कहना क्या चाहते हो तुम? गरुड़ बस यही, जो भी होता है प्रभु की इच्छा से ही होता है। सत्य तो यही कि आशा की वास्तविक आवश्यकता मुझे ही थी, वो देवी लक्ष्मी से मिलकर वह आशा तुमने मुझे दी। गरुण बोला,
मैं तो केवल माध्यम बना हूँ प्रभु, ये लीला तो आप दोनों ने ही की है। ये सब हमारी लीला है।